Hello everyone and welcome to Athlete IS. Um, uh, टुडे आर्टिकल इज द बोथ एक नाथ शिंडे एंड उद्धव ठाकरे फैक्शन के नॉट यूज़ द नेम और सिम्बल फॉर ऑन गोइंग बाईपोल इलेक्शन व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस हुआ क्या है एक्चुअली एक नाथ शिंडे और उद्धव ठाकरे दोनों ही शिवसेना के जो है uh, पार्टी में एक साथ हुआ करते थे जब uh, उद्धव ठाकरे सी uh, एम थे बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि uh, कैसे कुछ uh, जो एम एल एज थे वो एक नाथ शिंदे की तरफ हो गए और uh, इन, uh, फिर उसके बाद इन्होंने बीजेपी के साथ अपना अलायंस uh, जो है वो किया और उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई तो अब क्या किया है ना ईस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि इन्होंने जो सिंबल है जो शिवसेना का जो सिंबल है उसको जो है फ्रीज कर लिया है फ्रीज़ इसलिए किया है क्योंकि अंधेरी ईस्ट में जो है बाईपोल सिलेक्शन चल रहे थे और वहाँ पर ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे दोनों ही क्योंकि सेम पार्टी से बिलोंग करते थे कुछ समय के पहले ही तो ये एक हो सकता है कि ये जो सिंबल्स हैं इनकी वजह से जो है किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान हो सकता है मतलब एक अनफेयरनेस क्रिएट हो सकती है क्योंकि यू नो जनता अभी रिसेंटली क्योंकि ये जो है फ्रेगमेंटेशन और इंटीग्रेशन विथ अनदर पार्टी ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि जो शिवसेना का जो पार्टी का जो नाम है और जो उसका सिम्बल है ये दोनों ही फ्रीज कर लिया जाए ताकि इस पर्टिकुलर नाम पर जो है कोई भी बाईपोल इलेक्शन जो हो रहा है अंधेरी इसमें कोई भी वोट ना दे क्योंकि ये जनता में कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है हो सकता है ये कि सिर्फ के नाम पे लोग एक ना को इलेक्शन वोट की, वोट तो फेर, की जो फेयरनेस है इस वजह से जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ये बाइपोल इलेक्शन जो अंधेरी ईस्ट में होने वाले हैं इन दोनों चीजों के लिए हम आपको नया सिंप सिंबल देंगे फ्री सिंबल देंगे और अल्टरनेटिव सिंबल देंगे और ये जो अभी सिंबल शिवसेना के फ्रीज हुए हैं जो उनका आ, आ, नाम फ्रीज हुआ तो उस उसका जो है जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक जो भी इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन कमीशन के प्रोवाइडेड किए हुए सिंबल्स पे ही इन दोनों को लड़ने होंगे अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है ये इससे एक से दो क्वेश्चन जो है चाहे वो प्रिलम्स हो चाहे वो मेंस हो वो दोनों में ही आना ही आना है इस वजह से मैं आज जो है एक होलिस्टिक अप्रोच में जो है कुछ मेंस के भी पॉइंट्स बताऊंगी मेंस के भी एक डिटेलिंग के तरीके में समझाऊंगी कि ईस्ट इंडिया सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आ, क्या कहते हैं प्रिलम्स वे में भी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसके रोल हैं क्या इशूज़ हैं और हम किस तरीके से आगे इसको देख सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर आप देखो तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी के तहत जो है संविधान में हमारे दिया हुआ है बेसिकली इसका काम ये है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन कराए एक जिससे कि ये एक पिलर है डेमोक्रेसी का तो इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन का बेसिक काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द टेरेटरी ऑफ इंडिया तो अगर हम देखेंगे कि इसका कम्पोजिशन क्या है मतलब इलेक्शन कमीशन का कम्पोजिशन जो हम हमें देखना है तो इलेक्शन कमीशन uh, जो है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और स्टार्टिंग uh, में तो एक ही थे बट अगर uh, जो कि बर्डन बहुत ज़्यादा है तो अगर प्रेसिडेंट कहे तो ज, जितने नंबर चाहें उतने अलग इलेक्शन कमिश्नर नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा ही रहेगा जो इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ये चीज़ याद रखनी है आपको और जब अदर इलेक्शन कमिश्नर अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एज अ चेयरमैन का काम करेगा और प्रेसिडेंट जो है जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको जब अपॉइंट करेगा तो उसका जो है इलेक्शन कमीशन से जो एडवाइस लेना है वो जो जो भी रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होंगे वो बेसिकली जो है जितने भी जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर है और जितने भी इलेक्शन कमीशन है उनसे एडवाइस लेकर जो है ज़रूरी है उनको अपॉइंट करना बिना प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर और उनके एडवाइस के जरिए रीजनल जो कमिश्नर है जो स्टेट लेवल पर हैं उनको अपॉइंट नहीं कर सकता है इनका बेसिकली जो सर्विस ऑफ टेन्योर है वो डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट की विल क्या है तो प्रेसिडेंट की विल के ऊपर ही इनकी जो आ, सर्विस के कंडीशंस हैं और जो ऑफिस का टेन्योर है वो डिसाइड होता है देखो अब यहाँ पे हमें पता करना है कि आ, रोल क्या क्या है रोल क्या क्या है तो सबसे पहले आप देख ही रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मतलब कि ये इलेक्टोरल रोल बनाएगा और क्या क्या जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनको सुपरवाइज़ करेगा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिकोगनाइज़ करना उनको सिंबल प्रोवाइड करना या फिर जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनको कैसे डिटरमाइन किया जाए कि कितनी कॉन्स्टिट्युएंसी होंगी कितने सीट्स होंगे किस राज्य में किस राज्य में किस, किस हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्युंसीज को टेरिटोरियल एरिया को डिवाइड किया जाएगा ये काम है उसका और ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मैं बता रही हूँ क्या क्या मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में यही है कि ये इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करेंगे फिर उसके बाद जो है ये सुपरवाइज करेंगे इलेक्शन को और कंडक्ट करवाएंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेंगे उन्हें सिंबल प्रोवाइड करना और जितनी भी कॉन्स्टिटेंसीज हैं उनके टेरिटोरियल एरियाज को डिटरमाइन करना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है लागू करना ये सारे के सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अब इनका जो है जुडिशियल को जो जुडिशियल क्या कोवासी जुडिशियल फंक्शन क्या है अब हमें वो देखना है तो कोवासी जुडिशियल फंक्शन जो है क्वासी जुडिशियल फंक्शन में इनका सबसे पहले आएगा कि किसी भी पार्टीज दो पार्टीज़ के अंदर जो है डिस्प्यूट हो ओवल इलेक्टोरल सिंबल को लेकर जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ बिटवीन एक नाथ शिंडे एंड उद्धव ठाकरे इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन एज फ्रीज द सिंबल एंड दी सिंबल और जब तो वो तब तक नहीं क्लियर आउट होगा जब तक कि वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो नहीं जाता तब तक के लिए उन्हें एक अल्टरनेटिव सिंबल जो है प्रोवाइड कर दिया गया है तो ये है कोासी जुडिशियल फंक्शन में कि कभी भी किसी पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर डिसीजन लेगा और डिस्प्यूट बिटवीन रिकोगनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तो सिंबल ही नहीं कभी कभी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको उनके रिकोगनाइजेशन को भी लेकर जो है इशूज़ क्रिएट होते हैं तो ये जो है कोसी जुडिशल फंक्शन में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और तीसरा जो है वो है इसका एडवाइजरी फंक्शन अब ये एडवाइजरी फंक्शन में क्या करेगा एडवाइजरी ये करेगा कि कभी भी जब भी डिस्कालिफिकेशन होगा एमपीज और एमएलए का नो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जब भी, भी कोई एमपी और एमएलए एल होगा तो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया से बिना एड़्वाई, मतलब एडवाइस ले सकते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एडवाइजरी देखो बेसिकली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही है ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कौन सी जुडिशियल वहाँ पर आ जाता है जहाँ पे सिम्बल्स को लेकर पोलिटिकल पार्टी की रिकॉगनाइजेशन को लेकर जो है डिस्प्यूट अराइज होता है और एडवाइजरी फंक्शन वहाँ आता है जब कभी भी क्वालिफिकेशन की बात आती है एम और एमएलए की वहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं अब क्या है कि ये तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब यहां पे थोड़ा सा मैं ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैं यहां पे थोड़ा सा मेंस का भी अप्रोच अपनाना चाहती हूँ कि इश्यूज क्या क्या हैं क्योंकि कभी कभी क्या है ना मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरीके के कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर तो कमीशन ऑफ इंडिया है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्योंकि काफ़ी सारे लूप होल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में है अगर आप देखोगे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो सबसे पहला इशू अगर आप देखोगे इलेक्शन कमिश्नर कमीशन के साथ है वो ये है कि उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है उनकी इंडिपेंडेंस उनकी जो एक आप कह लो कि अनबायसनेस uh, भी तो इन्श्योर करनी जरूरी है क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि

सबसे पहले जो है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो चलो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं उनके पास तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिया हुआ है कि uh, आप इम्पीचमेंट के थ्रू जो है uh, उ, उनको उन्हें हटा सकते हो रिमूव कर सकते हो बट वॉट अबाउट इलेक्शन कमिश्नर उनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है सबसे दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो अगर आप देखोगे कि उनकी जो सैलरीज हैं अगर आप देखोगे जितने भी जजेज हैं या फिर जितने भी आप पार्लियामेंट के मेबर्स हैं उनकी जितनी भी सैलरी है वो सब कॉन्सोलीटेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है आ, ली जाती है लेकिन ऐसा नहीं है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी वहाँ से चार्ज नहीं की जाती है वो मिनिस्ट्रीज से आती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की जितनी भी जो कमिश्नर हैं और आ, आ, चीफ हैं और जो नॉर्मल कमिश्नर्स हैं उनकी सैलरी जो है कॉन्सोलीटेड फंड से नहीं चार्ज होती है उसके बाद जो तीसरा है कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो चाहें अगर इलेक्शन कमिश्नर है अगर वो अभी एज ए इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है बट अगर वो वो जॉब मतलब वो पोजीशन छोड़ते हैं उसके बाद वो कोई और भी पोजीशन ज्वाइन कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक इंडिपेंडेंट उनके अनबायस्ड ना होने का रीज़न आ जाता है अगर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसज हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें ये क्लियरली मैंशन है कि आप इस ऑफिस को होल्ड करने के बाद जो है आगे किसी भी पोस्ट के लिए फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है दे आर नॉट बेड फॉर एनी फर्दर अपॉइंटमेंट चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर चल रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन जो है ये अब आम सी बात कहूँ या फिर अगर आप कह लो तो हो रहा है मतलब अगर आप रैंडम न्यूज़ देखोगे तो कुछ ना कुछ अगर इलेक्शन के समय जो है ये केसेस आ ही जाते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हो जा रहा है चौथा जो एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंसी है उस पर सवाल खड़ा करता है वो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर का में जितने भी कमीशन में जितने भी कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट सरकार करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वाई ये कॉलेजियम के थ्रू क्यों नहीं होता है तो इस वजह से इस पर एक ये भी इशू है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ सब और उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है अगर आप देखोगे जब भी इलेक्शंस होता है तो हमारे जो टीचर्स होते हैं हमारे जो पुलिस होती है और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं मतलब इलेक्शन कमीशन का खुद का कोई स्टाफ नहीं है उन्हें बाकी डिपार्टमेंट से जो है स्टाफ लेना पड़ता है तो एक ये एक ये भी एक इशू है कि इलेक्शन कमीशन डोंट हैव अ सेपरेट स्टाफ तो ये सारे जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप uh, अपने मेंस के जो है आंसर में कहीं यूज कर सकते हो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है कि uh, आजकल क्या दिक्कतें आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर क्योंकि आप देखो इलेक्शंस तो हमेशा ही चलते रहते हैं भारत के अंदर और जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमिश्नर के काम भी होंगे और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूज़ अगर आप फॉलोअप करते हो तो देखते हो कितने सारे जो मिसकंडक्ट uh, होते हैं इलेक्शन uh, के समय पे उन सारी चीज़ों को लेके सवाल पैदा होता है कि वाई वाई इट इज़ हैपनिंग तो सवाल खड़ा होता है वहाँ पर और पॉइंट होती है फिंगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि ये हो रहा है वाई इट इट हैपनड वेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ देयर तो ये चीज़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर खुद ही कुछ लूप होल्स हैं जिनको हमें कवर करने की ज़रूरत है तो ये भी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो कमीशन ऑफ इंडिया दे कांट इंट्रा इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ठीक है वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप चलो ठीक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के एक विद इन कंट्री जो है डेमोक्रेसी uh, स्टैब्लिश कर रहे हो लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या जिसके खुद के जिसकी खुद की इंटरनल डेमोक्रेसी जो है मेंटेन नहीं है जहां पर जैसे आप देख लो कुछ फैमिलीज़ ही कुछ पार्टीज़ को चलाई जा रही हैं तो इसको कहते हैं इंटर इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है उन पार्टीज़ की तो उसको इलेक्शन कमिश्नर उस उस वो कैसे रिजॉल्व होगा क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक पार्टी भी होना काफ़ी ज़रूरी है तो एक वो भी चीज़ है ये सारे इश्यूज़ हैं अब हम देखेंगे कि रिकमेंडेशन uh, क्या है मतलब इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या किया जा सकता है अब क्या है कि देखो जैसे कि इश्यूज़ हैं वैसे वही है कि जैसे कि इलेक्शन कमिश्न जो कमिश्नर्स uh, हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं तो आप एक सिलेक्शन कमेटी बना लो आप एक सिलेक्शन कमेटी बनाओ टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके लिए जो उनकी सैलरीज हैं जो सैलरीज हैं जो कि कॉन्सोलीटेड फ़ंड से चार्ज नहीं होती हैं जो कि मिनिस्ट्री से चार्ज होती हैं तो uh, जब इतनी बड़ी संविधानिक बॉडी है ये तो इलेक्शन कमीशन की जो सैलरी है भाई वो कॉन्सोलीटेड फ़ंड से चार्ज करो आप एक ये भी हो सकता है एक ये भी सजेशन रिकमेंडेशन हो सकती है इस चीज़ को लेकर और यहाँ पर जो हमने एक और इशू देखा था कि इलेक्शन कमिश्नर दे आर उन वो फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड है ऐसा नहीं है कि उनको बैन कर दिया गया है कि अगर आप एक बार इलेक्शन कमिश्नर बन गए तो आप फर्दर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं तो उस चीज़ के लिए हम ये आ, एक प्रोविजन या फिर एक ये रिकमेंडेशन आ सकती है कि अगर कोई भी पर्सन जो है इलेक्शन कमिश्नर है वो उस पोस्ट को छोड़ने के एक प्रॉपर टाइम इंटरवल लाइक टू इयर्स और थ्री इयर्स का पीरियड दे दिया उसके बाद ही वो किसी फर्दर पोस्ट के लिए अपॉइंट हो सकता है तो एक ये रिकमेंडेशन है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें वो पोजीशन नहीं मिलती है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है तो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन और जो इलेक्शन कमिश्नर है ये दोनों ही पावर और पोजीशन में इक्वल होने चाहिए ये भी एक चीज़ है उसके बाद एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सबसे बड़ा इशू है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक लीगल मतलब बैकिंग चाहिए उसके लिए एक रेगुलेशन या फिर कोई लॉ बनाना चाहिए जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो है एक लीगल बैकिंग मिले और जो ये वॉयेशनस हो रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वो कम हो जाए क्योंकि एक जब लीगल बैकअप पार्लियामेंट के थ्रू मिल जाएगा एक नियम जब एक कानून जब बन जाएगा नियम नहीं नियम तो ये है ही मॉडल कोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज़ रूल बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बट व्हेन इट बिकम लॉ इसकी जो पावर है वो और बढ़ जाएगी इसके इम्प्लिकेशं और बढ़ जाएंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्री एंड फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये जो है इसकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी तो हमें ये कुछ जो है पॉइंट थे जो हमें एज अ रिकमेंडेशन देखने हैं इसको आप वे फॉरवर्ड में भी अगर आप अपनी मेन्स के आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें लिख सकते हो So this is for all and thank you so much. Uh, please share and subscribe my channel.